अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। अल्लाह आप लोगों को ज़िंदगी दे, सेहत दे, खुशियाँ दे, बेताशा रिस्क दे। जजाक अल्लाह, आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, जजाक अल्लाह। खुश रहिएगा अपने फैमिली के साथ सब। आज हम लोग बना रहे पोटैटो आलू मेथी बना रहे, तो मैंने कहा ये रेसिपी भी शेयर करूँ। मैंने कल में गई थी मॉल, मुझे अच्छे से मेथी मिले थे, फ्रेश फ्रेश फ्रेश, बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। देखिए ग्रीन कलर फ्रेश मेथी, ये देखिए मैं लेकर आई हूँ। तो ये मेरे तीन गट्टी लिए, सही है, तीन गट्टी है हमारे पास, तो इसी तरह मिलता है। अभी आपकी कंट्री में पता नहीं किस हिसाब से होता है। तीन गट्टी मैंने लिए, इसको मैं साफ़ करके, कट करके, चॉप चॉप करके, इसको चार पाँच आठ बीस तीस दफ़ा वॉश करना पड़ता है, क्योंकि इसमें मिट्टी होता है, सही है। जितना वॉश करोगे अच्छा है, अभी इतना भी वॉश नहीं करना कि ये वॉश से ही ख़त्म हो जाए। और इसके लिए चाहिए पोटैटो, मेरे पास हाफ के जी पोटैटो है, ये देखिए इसको मीडियम साइज़ में कट करूँगी। और तीन टमाटर है मेरे पास, एक पाव के करीब है, और दो प्याज है मीडियम साइज़ की, लहसुन और अदरक का टुकड़ा। प्याज को मैं ब्राउन करूंगी क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है। जब प्याज ब्राउन होगा फिर मैं आगे की स्टेप दिखाऊंगी आपको। बिस्मिल्लाह, ऑयल मैंने लिया है, इसमें ऑयल जो है वो मैंने 6 स्पून डाले हैं, सही है, 6 स्पून ऑयल। अगर आपको थोड़ा सा, कुछ लोगों को ऑयल ज़्यादा चाहिए लेकिन इतना काफ़ी है इसमें। ये अभी प्याज ब्राउन हो गया है, इसको इसमें से मैं थोड़ा सा निकाल दूंगी, थोड़ा सा, ज़्यादा रहने दें, थोड़ा सा निकाल दें, सही है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी, मेरे पास है ये लहसुन है, अदरक है, इसको मैंने चॉप किया है, और ज़ीरा है, ज़ीरे को भी 1 टीस्पून ज़ीरा इसमें ऐड करें। अब इसको हम 1 मिनट इसी में भूनेंगे, जस्ट 1 मिनट, हाँ 1 मिनट भून के अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी, मेरे पास है पोटैटो, इसको मैं ऐड कर दूँगी। अब पोटैटो को 2-3 मिनट इसी में हम भूनेंगे, 2-3 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं, सही है, मीडियम आंच पे भी, सही है। बिस्मिल्लाह, अब इसमें हम ऐड करेंगे, मेरे पास है टमाटर, मैंने इस तरह कट कर दिए, और ये मेरे पास है इसकी स्पाइस मसाला, ये मेरे पास है कश्मीरी चिली 1 टेबल स्पून है, और हल्दी भी 1 टेबल स्पून है, और ये मेरे पास चिली है 1 टीस्पून, और गरम मसाला 1 टीस्पून, और ये मेरे पास है क्रश चिली ब्लैक पेपर, ये भी 1 टीस्पून है। सबको ऐड करके, और नमक हसबे ज़ायका जितना आप लोगों को चाहिए, अब इसको करेंगे हम मिक्स। मिक्स करके अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी पानी, पानी इसमें हम इतना अभी ऐड करेंगे कि हमारा आलू सिर्फ गल जाए, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। मैंने अभी इसमें 1 गिलास ऐड किया है। चलिए मिलते हैं जब तक हमारे आलू गल जाए, मीडियम आंच पे इसको बनाएंगे, सही है। बिस्मिल्लाह, देखिए मेथी को मैंने इस तरह कट किए सबको, और मैंने इसको काफ़ी वॉश किए, सच बताओ मैंने इसको
सात आठ दफ़ा वॉश किए हैं, क्योंकि इसमें मिट्टी होता है ना, तो इसको अच्छी तरह से वॉश कर दें, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सब ऐड करके। अब इसको हम इसी पानी ऑलरेडी है तो एक्स्ट्रा पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, अब इसको हम पकने के लिए रखेंगे। अब ये बस बन, देखिए माशाल्लाह रेडी हो गया, देखिए कितना प्यारा खूबसूरत। और पोटैटो भी हम लोगों की रेडी है, देखिए देखिए बिल्कुल फर्क है। अभी बस इसको मैं डिश आउट कर दूँगी, तो टेस्टी है माशाल्लाह, देखिए। ये देखिए रेडी है, बहुत टेस्टी बनता है, ट्राई कीजिएगा इसको आप। तंदूर की रोटी, ओह माय गॉड, इतना बेस्ट है कि बस क्या बोलूँ मैं आपको। चावल के साथ भी ज़बरदस्त है। थैंक यू सो मच, जज़ाक अल्लाह, खुश रहिएगा फैमिली के साथ, ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिए कि कैसा लगा आप लोगों को ये रेसिपी। खुश रहिएगा अपने फैमिली के साथ।